अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज आपकी खिदमत में लेकर आपकी बहन एक और वीडियो रिव्यू वीडियो हाजिर है, जो कि है आपके सामने है ट्रांस केयर शैम्पू पे है वीडियो। बायोटिन एंड कैराटिन इसके अंदर पाया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूव फार्मूला है जो आपके हेयर्स को लॉन्ग करता है, थिक करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। उसके बाद डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ है ये शैम्पू, और एंटी प्योरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और कैराटोलाइटिक है। और उसके अलावा इसके जहाँ तक किस ब्रांड का है इसका पेज मैं नीचे मैंशन कर दूँगी, बल्कि अभी मेरा मैंशन नहीं होगा। मेट लाइफ बाय नूर के नाम से पेज है इंस्टाग्राम, वहाँ से आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइस आई थिंक सो 900 to 1200 समथिंग होगी, इसके राउंड अबाउट होगी। ठीक हो गया, जब मैंने लिया था 990 रुपये या 99 रुपये में ये था। तो इसकी क्वांटिटी जो है वो 200 ml है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा और अप्रूव्ड फार्मूला है। आपके बालों को बिल्कुल थिक कर देता है, लॉन्ग कर देता है, हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल करता है। और अगर आप इसको यूज़ करते रहें तो आपके हेयर को परमानेंटली जो है वो क्या कहते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये आपके हेयर को इसकी कंडीशन से आपको पता लग रहा होगा। और अभी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, मेरा शैम्पू बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी रह गई, इतना मैंने यूज़ कर लिया ये शैम्पू। और उसके अलावा बात की जाए इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसके यूजेस की, और वो आप लोग यहाँ से स्क्रीन को होल्ड करके यहाँ से आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे साफ बताया गया है, बायोटीन है, आपको पता है बायोटीन हेयर्स के लिए कितना अच्छा होता है। उसके बाद कैराटीन है, कैराटीन के हम इतने महंगे महंगे जो हैं वो लेते हैं, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जो कि आई थिंक सो 10,000 अबव ही होंगे। तो वो करवाने की बजाय अगर हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, ये आपके लिए कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं साबित होगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, उसके अलावा ये जो है ना डर्माटोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड है, यहाँ पे लिखा होगा, आपको मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखें, ये डर्माटोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड है। और उसके अलावा ये आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, आपको पता है कितनी क्रिटिकल होती है, तो उसके बाद भी 48 hours बाद भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ऑर्गेनिक है और आपके बालों को जो है बिल्कुल स्ट्रेट करता है। अगर आप इसको काफ़ी हद तक यूज़ करते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो आपके हेयर्स को बिल्कुल हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा, हेयर जो है आपके स्कैल्प को हेल्थी करेगा, और उसके अलावा बालों की जो वराइटी है उसको भी चेंज करेगा। मतलब कलर जो है ना बिल्कुल शाइन आ जाएगी हेयर में, और क्या कहते हैं, बाल आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और बायोटीन और कैराटीन आपको पता ही है हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खाने में लें बायोटीन या फिर लगाने में लें तो बाल हमारे हेल्दी हो जाते हैं, बाल वही होते हैं जो हेल्दी हो, बेरुखे से और किसी को भी नहीं पसंद। तो इसके टेक्चर कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कंडीशन से आपको पता लग गया होगा कि अभी तक ये जो है ना, ये देखना आवाज़ आएगी, ख़त्म हो गया और यहाँ पे आया थोड़ा सा ठीक से आवाज़ आई ना। ऐसे खूबसूरत सी ट्यूब नुमा ये शैम्पू है, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ जी। तो अभी यहाँ पे आप इसका टेक्सचर ज़रा देखिएगा, इस तरह से ट्यूब बनी हुई है और कुछ ओहो कुछ ऐसा सा इसका टेक्चर है, देखिए ज़रा इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो आपके हेयर्स को, ये देखिए, जो कि बायोटीन के हैं, आपके हेयर्स को बिल्कुल फोकस की नहीं, हाँ यहाँ पर बन गया, देखा ज़रा, आपके हेयर को बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट और शाइनी बना देता है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, आपके हेयर बिल्कुल सॉफ्ट से, और इसको यूज़ करने के बाद किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सबसे अमेजिंग इसकी बात है। तो आई होप सो कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।